हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू वी नाना व्लॉग। आज मैं कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट, और आज का तो व्लॉग आया ही नहीं अभी तक, नहीं आया ना। तो एक्चुअली व्लॉग लेट हो रहा है क्योंकि घर पे एक्चुअली सब थे, और ऊपर से हमें काम भी है थोड़ा ज़्यादा, हम बिजी है कहीं ना कहीं, मतलब ऑक्यूपाइड है कहीं ना कहीं, इसलिए वो लेट आ रहे हैं। बट आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि हमारा एग्ज़ाम है, तो उसका एग्ज़ाम का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट के लिए अभी वेट करना है हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा। तो हम अभी आ गए खाना खाने, क्योंकि सुबह हम कुछ भी खा के नहीं निकले थे। तो एज यूजुअल नानू अपना मसाला पापड़ खाते हुए। Hey guys, और पता है क्या, ये मतलब नानू की ना आई जो है, आई का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ना उसको एग्जाम देने नहीं दे रहे थे। इतना गुस्सा आ रही थी नानू को, नानू का ये भी जूता मारूंगी इनको, इतने पैसे टोटल बताऊँ अगर तो कितने पैसे ले लिए नानू नानू हमसे, 48,000। 50,000 तो इनके मुंह में मार दिए तब भी एग्जाम नहीं देने वाले, हद हो गई। पता नहीं ऐसा कौन सा एग्जाम हो गया, 50,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, लुट गए हम तो, समझ रहे हो। सैलरी दे दी इनको मैंने, ये खाओ फिर बाहर का खाना, हद हो गई यार, हद हो गई। आ चुके हैं अपने घर से रेस्ट करने के बाद होटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि दीदी और मम्मी चले गए होटल में, तो हम आ गए हैं, और मैं प्यारी बेटी बन के आई हूँ, और मैं भी यहाँ आई हूँ। आई हूँ नहीं, आप ऑलरेडी यहीं थे, मम्मी ऑलरेडी यहीं थे, और मैं अभी भी चश्मे में हूँ, पता नहीं मेरा चश्मा कब हटेगा, हट जाएगा हट जाएगा, मेरे को ना इरिटेट हो चुका है इस चश्मे से। ए भाई, जिस दिन ये चश्मा हटेगा ना, मैंने 4-5 दिन जिस दिन चश्मा हटेगा नानू, दिन मुझे पार्टी देगी, तू ले ले। चाल मी में कैसे लग रही हूँ, तुम एक चाइनीज डॉल लग रही हो, मैं तो पारी बारबी लग रही हूँ, ब्लैक कलर कपड़े पहन के, ऐसे गुजराती पंजाबी दे नाल देखो समझन, गुजराती ते पंजाबी दे नाल समझन, और गुजराती मैं बोलो, गुजरात तो मैं बोल छु, गुजराती बोलू छू, गुजराती बोलू छू, गुजराती छो तो गुजराती बोलू, आप क्यों पंजाबी पंजाबी गल करो, पंजाबी आप पंजाबी गल कर दे, जय बाल, और यहां तो स्लिप आओ, मैं इंडियन, मैं हिंदी में बात करता हूं, आ मेरी समधन, आ मेरी कुड़ी, आ मेरी बुढ़ी, मुझे बुढ़ी कह दिया मम्मी ने, बताओ आ जा मेरे लल्ले, और दा देखो भाई ये चलती है, या माई बेना जो है वो उधर कॉर्नर पे है, वो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, स्लिपी मैं और इच्छा जाएंगे, नहीं मैं भी जाऊंगी, बच्चों के साथ नहीं जा सकते इसलिए तो बोला, फिर आप जाना, फिर आप तो होना ही, आप चल चल इधर, पहले हमारे को लाओ, एक मिनट रुक जाओ, दी तैयार होके आएगी, ये लड़की सच के आएगी, वैसे सचने की जरूरत है क्या इनको, लुकिंग गुड और व्हाट, यू ऑलवेज लुक गुड, तो भाई बोल रहा हूं आपको रेडी होने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्विनिंग हुए हैं दोनों आज, इन्होंने टिप, ये माँ बेटी ट्विनिंग हुए हैं, मम्मी तैयार नहीं हुई है मेरे साथ गुजरात जाने के लिए, तो तू मना ले, व्हाट अ जोक, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, नो इट इज नॉट अ जोक, इट इज वेरी सीरियस मैटर, ओनली नानू कैन अंडरस्टैंड दिस, व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड दिस, अब पे मम्मी को ले जाने के लिए दोनों लड़कियां ऐसे लड़ रही हैं, खींचतानी हो रही है मम्मी के साथ, मेरी हो गई मम्मी, यार मेरी तो, और बाय डिफॉल्ट रिचा बोल रहे हैं मम्मी, मैं सबकी मम्मी, इनकी मैं तो जबरदस्ती रखूंगी यहीं पे, यस मैं तो इसी बात पे आई हूँ कि मम्मी ने धमकी दे दी कि तू नहीं आएगी तो मैं चली जाऊंगी, मैं तो मम्मी को लेके ही जाऊंगी, सही बात है 100%, मैंने ये बोला था बिकॉज ये रेडी नहीं थी आने के लिए, तो इसीलिए आई हूँ कि आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे हमारे साथ, फिर मम्मी बोलेगी मैं तो केन्या की बात कर रही थी, कोई नहीं अब नहीं कोई चीज दिखाने वाली है, ये पागल हो चुकी है पूरी तरीके से, पागल हो चुकी है, इसकी शक्ल देख लो बस, अगर मैं हेयरकट करवा लो तो हाउ आई एम गोना लुक, अरे कुछ तेल वेल है, कुछ ऑयल वॉयल है, कुछ ऑल्दो आई एम नॉट लाइकिंग इट बिकॉज मेरे को ये हेयर कट पसंद नहीं आए, बट इट्स ओके, मतलब कभी कभी शूट के लिए कर सकते हैं ऐसा, we'll see in future, future this is much better, so ye wala look ya ye wala look, I like this one, aap batao aapko kya acha lag raha hai, are light kyun jal gayi,
हम आ चुके हैं कहीं खाना खाने, इनका अलग गुपचुप चल रहा है। मम्मी वो बैठे आराम से, मम्मी को ठंड लग रही है, आंटी को भी ठंड लग रही है, आंटी सुपड़ के बैठी है। मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये हॉट लड़की हमारी, इनको ठंड नहीं लग रही। अरे आपका भाई, आपकी बहन, व्हाटएवर, मैं ईवी शर्मा, ईवी शर्मा, ईवी शर्मा, ईवी शर्मा। हम खुले में चोरी करते हैं, यहाँ से बीच में नहीं डालते हैं। तो हमने चॉपस्टिक घर लेके जाएंगे, इससे हम खाएंगे नूडल्स और हम घर जाके ट्राई करेंगे खाते खाते। हमें तो आता है, नहीं आएगा इसमें, आता है। अच्छा अबे पागल, इसमें नहीं आएगा, ये बड़ा है, टेढ़ा आ जाएगा। साइलो से खाने वाले लोग, ओके मैं बता रही हूँ कि अमीरों के चौंचले होते हैं, बड़ी प्लेट में इतना खाना खाना है। सो प्रेजेंटिंग माय फूड, माय मशरूम, माय प्लेट, माय फूड। हम खाना खा लेते हैं गाइस, हमारा भी हम डिनर के लिए आए हैं, डिनर कर लेते हैं। यू लाइक इट? हाँ सर। कैसा हमारा टेबल भरते हुए? मेरी प्लेट, मैंने इतना सारा ले लिया है टच फूड। इसमें है नूडल्स, फ्राइड राइस, असॉर्टेड वेजेस, ये हमने कुछ टोफू का मंगाया था, एंड दिस इज चटनी। इसका पूरा रिव्यू करके देंगे। यहाँ का खाना बहुत बहुत ही अमेज़िंग है। तो हम एनीवेज, जब हमें जो चीज़ पसंद आती है हम दोबारा आते हैं। जल्दी आएंगे बट कब आएंगे वो नहीं बताएंगे, वो नहीं। और खाना बहुत ही अमेज़िंग है। देखो इस हमारे बड़े बंदर को कैसे देखो चढ़ा हुआ है नानू के ऊपर। ओह माय गॉड, आर्थर फेस पे आ गया यार। ये देखो, और सूखी सी लड़की को देखो हमारी। I love chin chin chu. Chin chin chu, baba chin chin chu. Got the chamani me aur do. Hello, Mr. How do you do? Tenching, smoke wali ice cream. And these are the poppers ones. So, main aapko dikhati hu jaldi se. Ek minute pass le lungi. What is this? Just rota and muh mein lagao. जल्दी करो। अब घर में एक सहेगा, बताओ छल्ला बनवा रही मम्मी से, देख रहे हो हमारे घर के हालात। तो ये है आइसक्रीम फैक्ट्री करके यहाँ पे बांद्रा में। हम रात में ही घर आ गए थे और हमने शूट नहीं किया था क्योंकि हम थक गए थे। और अभी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग, नेक्स्ट डे में हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी पुराने वाले व्लॉग में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यहाँ पे जो ये शोर आ रहा है वो किस चीज़ का शोर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नानू ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, सो इन लाइक क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग नानूज न्यू बिजनेस। लुक एट दिस गर्ल, ये पता नहीं क्या कर रही है, इसकी आँख ठीक नहीं हुई। उससे पहले इसने अपने यहाँ पे कलाकारी स्टार्ट कर दी है, देखो क्या लिखा है। नूवी लिख दिया इसने, तो ये है नूवी लिखा है इसने। दिल बना दी और कुछ नहीं मिला तेरे को। तो गाइस आपको अपने नाम कुछ भी लिखवाने हो बर्तनों पे तो आप नानू को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट में आप बता दो आपको कुछ लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है, ठीक है। आर्द्रितु से हाय टू गाइस, हाय एवरीवन, से हाय एवरीवन, शो योर बारबीज। How many Barbie? One. Next Barbie. Yay! कलाकारी कर दी है अपनी, दिखाई है जरा। मम्मी ने बढ़िया लिखा है, मम्मी ने लिखा है आयान। अगर आप दिख रहे हैं, हाँ ये दिख रहा है भाई। मेरा पूरा खानदान का नाम लिख देंगे। इस पे लिखा है मम्मी ने आयान, वाह। एक से एक कलाकार बैठे हैं। You guys can contact us
तो हमने ये ना एक्चुअली एक पेन मंगाया है जिससे ये जो ऐसा पेन है ना इससे यहाँ पे पूरा हो जाता है, नाम लिख सकते हैं आप। ये मेरी शोना बेबी, मेरी पिंच, पोएम भी सुना दिया आपको, देख रहे हो मतलब पहाड़ी बेटिया ही मेरी जैसी। गाइस इट्स फेस्टिवल टाइम, तो हम आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं हम, आ चुके हैं राखी शॉपिंग करने, है ना बाबू? हाँ जी, हम राखी शॉपिंग करने आए हैं राखी, क्योंकि हमें सबको भिजवाने अलग 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 भिजवाना होता है। इस बार मैं राखी पे घर नहीं जा रही हूँ, तो फिर मुझे अपने भाई के लिए भी भिजवाना है। और ये देखो हम है लोखंड वाला, ये पता नहीं क्या बोले जा रही है मन में, लोकल वाले से हम निकल चुके हैं और हम आए यहाँ पे ऐसे एक्चुअली घर जा रहे थे, तो ऑन द वे मेरे को एक पानी पूरी वाला दिख गया और हमने सोचा रात को खाना क्या खा रहे हैं तो पानी पूरी खा लेते हैं, यहाँ की पानी पूरी खाई है मेरे को तो अच्छे लगे हैं, आई डोंट नो अबाउट यू। और यहाँ पे अभी ये बास्केट चाटर जो शायद आपने मेरे लखनऊ वाले ब्लॉग देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे टोकरी चाट भी है जो हम यहाँ पे खाने वाले हैं, मैं दिखा देती हूँ कैसे बन रही है वो। दिस इज टोकरी चाट, ये वाला जो है ये बास्केट चाह रहे जो मम्मी के लिए लेके जा रहे हैं हम घर, बने नानू को देखो हेलमेट में ही लगी हुई है लड़की, खाने का जोश इतना था कि मैं हेलमेट में ही खा लूंगी ऐसे कह रही है। मैंने गुलाब जामुन क्यों रखे हैं, बास्केट चार जो हम लेके आए हैं और लेके जा रहे हैं मम्मी के लिए। जो एक सिमरन लड़की है गाइस बोलती है जो वो जेडा गई है, जेडा गई है, सऊदी अरेबिया गई है वो, वहाँ से वो काली, तो वो आपको अभी दो दिन नहीं दिखी इसलिए व्लॉग में, अदरवाइज आपको कल आ जाएगी फिर दिखेगी आपको। आज व्लॉग में दिखी ना वो, दिखी है हाँ हाँ, वो जो डांस कर रही है पता नहीं, हाँ तो आप मतलब मेरे को पता है आप उसको भी मिस कर रहे हो, मतलब वो बहुत मस्त लड़की है, फनी लड़की है, हमारी मौज आ जाती है उसके साथ, तो हमारी भी है, हम लोग भी फालतू को उसके साथ हंसते रहते हैं, वो खुद ही हंस रहती है, खुद ही ऐसे हंसते हैं वो, तो फिर खुद इतना हंसती है फालतू में फिर हमको बहुत अच्छा हंसी आ जाती है। एनीवेज तो जैसा कि क्या, जैसा कि राखी आने वाली है, त्यौहार आने वाला है और हमारी प्रिपरेशन तो भाई साहब स्टार्ट हो जाती है। अभी दिन है काफ़ी, ऑल दो मेरी राखी की छुट्टी नहीं है बट स्टिल मेरा राखी पे जो मैं सूट पहनने वाली हूँ वो आ चुका है और अब मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि इस बार मैं राखी को ज्वेलरी क्या पहनूंगी, तो वो देखते हैं इसकी पहली राखी दीदी ने बांध दी क्योंकि कल दीदी जा रहे हैं यहाँ से, इसकी बहन जा रही है तो इसकी बहन इसको राखी बांध दिया, तो वो कल चले जाएंगे। और क्या मैं बता रही, राखा और हमने राखियां भी आज शॉपिंग कर ली है राखी की, मेरा चश्मा उतर गया, तो अब इसने बोला था जब इसका चश्मा उतर जाएगा तो ये मुझे पार्टी देगी, अब पूरी तरीके से उतरा नहीं अभी, कल तो मेरी पार्टी होगी पूरे तरीके से, नहीं तो दो दिन बाद पार्टी होगी, दो दिन बाद फिर हमारा जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो सदमे में रहेंगे हम क्योंकि अच्छा तो हुआ नहीं है तो पास होएगी फेल हुआ तो भगवान जाने क्या होएगा हमारा, बहुत लगी पड़ी है गाइस, थोड़ी सी प्रे कर लो, दुआ कर लो कि जितना मिनिमम नंबर चाहिए उतने तो एटलीस्ट आ ही जाए, 50 तोला चाहिए हमें, ठीक है उतना मंगा लेना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, आप हमारे लिए प्रेयर्स कर ले इस बार तो सच में दिल से, मतलब दिल से जरूरत है हमें आपके आपकी प्रेयर्स की, और उतना एक मिनिमम ही नंबर चाहिए हमें, हमें से कोई ऐसे नहीं कि भाई हमारे 90 नंबर आए 80 नंबर आए, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बस एक पासिंग मार्क्स चाहिए जो जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें, मतलब पासिंग मार्क्स थोड़े ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट की। किसी ने पूछा है कि ये एग्ज़ाम किस चीज़ का है, तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो जब होंगी तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर इन केस बाय चांस अगर कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो पाई है तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको हल्का हल्का हिंट देती हूँ और ज़्यादा नहीं बताते, जब वो चीज़ हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगी, तो पहले हो तो जाए, पहले आप मेरे लिए प्रेयर्स तो मांग लो गाइस प्लीज़ यार, हम दोनों के लिए मांग लो यार प्लीज। और नानू आजकल नहीं दिख रही व्लॉग में क्योंकि नानू बना रही भी नहीं है, क्योंकि मैं ही बनाती हूँ, ये तो बोलना जरूरी था कल जो व्लॉग देखा था ना, जब से मैं बताती हूँ
जब से बता दो, जब से मम्मी दीदी आया ना, तो ये अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खो गई है, इसलिए इसको अपनी कुछ छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसको ये यूट्यूब को छोटा मोटा ही समझती है, तो ये छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये नहीं करती है, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसकी लाइफ मस्त चल रही है चश्मा लगा के। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। ओके गाइस, तो हम करते हैं वाला व्लॉग एंड, और बताना कि मैं जो पहले मैंने आपको जो ड्रेस देखी, मैंने जो होटल गई थी बांध के, वो मैं बारहवीं ब्लैक बारहवीं वाली ड्रेस में मैं कहीं पारी लग रही थी ना, मुझे बता दो। ये को बता देना प्लीज, ये तो गंदा लड़के है, मैं तारीफ नहीं करती आजकल घर वालों के सामने, तो भूल जाती है मेरे को। मारो ना, कल चार बार बोला था मैंने, ऐसे कह रही गाड़ी में बैठ गए ना पीछे, तो आज अच्छे लग रहे, ऐसे कह रही थी सबके सामने से बोली। और सच बताऊं तो हमारे तो कल की कोई फोटो ही नहीं है भाई, सबकी फोटो खींच लगी है, ये तो बस कल तो मैं इससे नाराज थी, सबकी फोटो खींच लेगी तब इसकी आंख में दर्द नहीं होता, जब हमारी फोटो आएगी तो भाई मेरी आंख में दर्द है यार, ना अच्छा खींच ले फोटो भाई, जब पता सेल्फी तो तुम्हारे फोन में ही आती है, तो मैंने तो सुना दिया इसको, मैं तो कल लड़ाए हुए, इसलिए मैंने तो बोल दिया भाई फोटो क्यों लेते तुम हमारी, हमारी फोटो तो नहीं आती भाई, सब फोटो क्या मैं ही लूंगी क्या, मैंने अपने क्लिक करा ले, इसने नहीं कराए तो मेरी गलती है क्या, खुद से भी तो ले सकती थी पर कभी नहीं लेती। मैं बता रही हूँ कि जितने भी आप हमारे वीडियोस फोटोज देखते हो ना, आप हमारी हमारी फोटोज भी जो देखते हो, वो सब मैं इसको याद दिलाती हूँ कि भाई हमारी फोटो ले ले, तब इसको होता है रियलाइज, ओ हमें तो फोटो भी लेनी थी, ऐसे करती है ये, पर इसी बात पर मैं लड़ाई हो जाती है हमें। इसी बात के साथ अब आपसे लेती हूँ अलविदा, गुड नाइट गाइज, शब्बा खैर, शुभरात्रि, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। वाह, और गाइस राखी की तैयारी करते रहिए, और किसी को अगर नानो भाई को राखी भिजवानी हो तो बता देना यार, हम अपना एड्रेस नहीं देंगे हम अपना एड्रेस नहीं देंगे, हम अपने फ्रेंड का एड्रेस दे देंगे आपको, ठीक है, सेंडी घर पहुँचे हम अपना एड्रेस नहीं देंगे, हम किसी और का एड्रेस दे देंगे अपने फ्रेंड का, तो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, हम वहाँ दे देना, ठीक है, और हमारे घर के पास इनऑर्बिट मॉल है, वहाँ पे वहाँ का एड्रेस रख लो बस, नॉर्बेट मॉल जैसे होगा वैसे हम पहुंच जाएंगे, अच्छा नॉर्बेट मॉल, ओके भैया आ रहे, दो मिनट खड़े रहो, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे करते वाला व्लॉग है, आपको करना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय, गुड नाइट टू डल्स, गुची गुची गो से, आई लव यू, इसकी साइलेंस मैंने बोलती होगी, इसको कुछ नहीं बोलना, बाय बाय, बाय बाय तो बोल दें, बाय बाय, पता नहीं पीछे बैठती क्यों है, ये तो मैं अकेले बोल लेती, ये भी तू ही बोल लेगी, ये तो मैं अकेले बोल लेती, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।